अस्सलाम वालेकुम जी। सौराबर किताब से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम राशिद पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। तबीयत शदीद तरीन खराब है लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है चूंकि नूरा डॉक्टराइन अपनी आखिरी सांसें ले रही है। गट्टू और जो ज़हीर गैंग है ये गैंग मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद हो गया और जो बचा खुचा इसका सोशल मीडिया विंग था जिसके स्लीपर सेल्स मौजूद थे वो भी अब कराची पहुंच गए। तारीख गवाह है कि कराची जो भी गया है वापस नहीं आया चूंकि मेहदी अली काज़मी ने ऐसी कुर्की वहां पर लगा रखी है कि जो भी कराची गया है उसकी गर्दन लाजमी वहां पर फंसी। आप देख लें गट्टू को, देख लें गट्टू शबीरे को, देख लें या फिर आप डॉक्टर ज़हीर महकीम डॉक्टर ज़हीर को देख लें, आप नूर बीबी पाकिस्तान की बाइसर तरीन खातून आप नूर बीबी को देख लें, नूरा डॉक्टराइन को, वो भी कराची गई और वापस नहीं आई। लेकिन इन्होंने कहानी शुरू की थी, इन्होंने किस्सा शुरू किया था, इन्होंने मेहदी अली काज़मी को मजाक समझा था, इन्होंने कहा था कि बच्ची टैक्सी पर बैठकर लाहौर गई है, इन्होंने मजाक उड़ाया था, इन्होंने तमस्खर उड़ाया था और आज उसी टैक्सी पर बिठाकर मेहदी अली काज़मी रिवर्स गियर लगाकर इन सबको वापिस उसी जगह पर उसी स्पॉट पर लेकर गया है जहां से इन्होंने टैक्सी चलवाई थी। ये उसी जामे शरीन वाली जगह पर पहुंच गए जहां पर जामे शरीन का शरबत पीते हुए इन्होंने ये कहानी बनाई थी कि टैक्सी चली थी। ये आज रात उसी जगह पर जाकर उतरेंगे, ये बाकी जो इनके पहुंचे कराची में उसी जगह पर जाकर पहुंचे हैं जहां से इन्होंने कहानी बनाई थी कि टैक्सी चली है। मेहदी अली काज़मी अब इन्हें टैक्सी भी बनाएगा और टैक्सी में इन्हें घुमाएगा भी। ये गए क्यों है कराची? इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी एविडेंट। जब भी आपने किसी के पैसे खाए हुए तो आपकी मर्जी खत्म हो जाती है। जिन जिन ने घी खाया था सारा मरोड़ उन्हीं के पेट में उठनी थी और जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने डंडा दे दिया कि जनाब मैं सारा फंस गया हूं, मेरी सारी डॉक्टराइन खत्म हो गई है, मेरी तबाही फिर गई है, तुम लोग लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर अय्याशियां मार रहे हो, सूप शूप पी रहे हो और उन सबको उठाकर वापस उसने भेज दिया जनाब कराची में। जाओ आखिरी टाइम है, मेहनत करो वहां पर जाकर, चीखे शीखे मारो, आगे पीछे भागो दौड़ो, कोशिश करो कि बच्ची जब शेल्टर होम से लाई जा रही हो तो उस दौरान किसी तरह से बच्ची से रब्ता किया जाए। और ये भी इतला थे बहरहाल कि पुलिस के जरिए गेम को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, मैच सेट किया जाएगा और वो सेट इस तरह से होगा कि कोई पुलिस वाला टेलीफोन पर बच्ची की बातचीत करवाए। अब ये बात आपने जहन निशीन करनी है, इस बच्ची की ग्रूमिंग हुई है, इस बच्ची को बकायदे से बरखलाया गया है और ये पुलिस अपनी मुख्तलिफ रिपोर्टों में बल्कि चलान के ऑफिस में लिख चुकी है और ये बात बड़ी क्लियर है कि इस बच्ची को हर तरह से ग्रूम किया गया है, इस बच्ची को बरखलाया गया है और उसके बाद इस बच्ची की वीडियोज बनाई गई, इस बच्ची की तस्वीर बनाई गई, इस बच्ची का इस्तेमाल करते रहे इस गैंग के इनके सहूलतकारों में से बेशुमार नाम भी, मुझे उनके बारे में डिटेल्स पता है, आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे, ये बकायदा से उस बच्ची का इस्तेमाल करते रहे। तो इतलात ये हैं कि कोशिश की जाएगी कि टेलीफोन के जरिए बातचीत करवाई जाए बच्ची से और उसे डराया जाए। लेकिन मुकम्मल फील्डिंग मौजूद है, लोग मौजूद हैं, पैरा कर रहे हैं और हर शख्स चौकन्ना है, एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक चीज को देखा जा रहा है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। ना तो पुलिस गंद बचा सकेगी इस दफा और ना ही कोई और इदारा या कोई और चीज गंद मचा सकेगी, क्योंकि ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी रखवाली कर रहा है बल्कि पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा है, पूरा पाकिस्तान और हर शख्स जाग रहा है और हर शख्स देख रहा है कि ये क्या वहां पर जाकर करने वाले हैं। अब ये जो सौलतकार है सोशल मीडिया के, बड़े पैसे पकड़े इन्होंने तो एंड टाइम पर इनके जो स्क्रिप्ट राइटर था उसने उठाकर इन सबको भेज दिया वहां पर कराची में। तो ये तो तैयार बैठे हुए थे कि ज़हीरे का हम वलीमा करेंगे लाहौर के अंदर, तो मैंने मशवरा देता रहा कई दफा कि वलीमा शलीमा कोई नहीं होना जनाब, वो कपड़े शपड़े बाहर निकाले चूहों ने काट लिए होंगे या दोबारा से जाकर बेच कर आए, क्योंकि वलीमे की कहानी खत्म हो गई और किधर ये कराची यात्रा कि जहां पर धुंध है, बुरी हालत है और अब तीसरे सिटी में जा रहे हो जहां पर पोल्यूशन लेवल इतना खराब है, जहां पर एटमोसफेयर पाकिस्तान का इतना शदीद खराब है और उस दौरान डंडा देकर आप आधी रात को उन्हें वहां पर लेकर जा रहे हो। दिस इज वॉट जो एक सबक है तमाम यंग जनरेशन के लिए या हम सब जैसे लोगों के लिए सीखने के लिए कि कभी भी किसी के पैसे लेकर काम नहीं करना चाहिए, पैसे लेकर जर्नलिज्म नहीं करने चाहिए, पैसे लेकर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब भी आप पैसे लेकर करेंगे तो जुनैरा महम और उनके सहूलतकार और उनका जो सारा टोला है वो एक मिसाल है, फिर आपको पे बैक करना पड़ता है, फिर आपको उनकी माननी पड़ती है, आपको आधी रातों को कराची के चक्कर लगाने पड़ते हैं जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन कल मैराथन ट्रांसमिशन करेंगे, एक एक लम्हे की आपको अपडेट देंगे चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड कि कल ज़ारा काज़मी अपने घर जाएगी और पाकिस्तान का मिडिल क्लास या एक दफा फिर सर उठाकर जिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।